स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले 100 वर्षों में पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यह समझौता किया गया ओजोन को डिप्लीट करने वाले जो सब्सटेंस हैं, उनके उत्पादन और खपत पर रोक लगाई जाए। पहली बार पर्यावरणीय मुद्दे पर सभी देश एक साथ आए, एक सामूहिकता की जीत मानी गई। आज जब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत चर्चा होती है तो संभवतः यह पीढ़ी, खासकर जो 2000 के बाद पैदा हुई या जो जिसकी जागरूकता न्यूज को लेकर बढ़ी, उसे संभवतः यह उतना पता नहीं होगा कि 1987 16 सितंबर को एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यह समझौता किया गया ओजोन को डिप्लीट करने वाले जो सब्सटेंस हैं, उनके उत्पादन और खपत पर रोक लगाई जाए। आप सबको ये पता होना चाहिए कि यह एक तरह से पर्यावरणीय मुद्दे पर दुनिया की सबसे सराहनीय और सफल पहल है, सबसे सफल समझौता है। यूनाइटेड नेशंस के सभी राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। 1987 में यह मॉन्ट्रियल समझौता क्यों हुआ, इससे समझने के पहले जरा ओजोन की इंपॉर्टेंस को देखिए। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वो कौन सी चीज है जो ऊपर तो अच्छी है लेकिन अगर पृथ्वी के वायुमंडल के नीचे आ जाए तो खतरनाक हो जाती है, तो वो है ओजोन। देखिए प्रकृति का न्याय कैसा है, ये प्राकृतिक तरीके से ही समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, समताप मंडल माने पृथ्वी की सतह से 10 से 30 माइल की दूरी पर स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल बनता है। वहां पर प्राकृतिक तरीके से जो ऑक्सीजन है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो रिएक्शन करके ऑक्सीजन के 3 अणु बनाते हैं और वो O3 हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन O2 है, फिर वो अल्ट्रावायलेट रेज उस पर पड़ती है, नवजात ऑक्सीजन आता है और O2 प्लस O करके O3 बन जाता है, ओजोन बनता है। और जब ये ओजोन समताप मंडल में है, यह कुछ 3 mm की जो थिक लेयर समताप मंडल में बनती है, उसे हम ओजोन सतह कहते हैं, परत कहते हैं। और सोचिए अगर वहां पे परत है ओजोन की, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट परावैगनिक किरणें हैं उसको रोकती है। आपको आश्चर्य होगा 90% से अधिक अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज की आती है उसे ओजोन परत रोक देती है। अब सोचिए अगर ये ओजोन परत ना होती और ये अल्ट्रावायलेट रेज वायुमंडल से प्रवेश करके पृथ्वी पर आती, तो आपको आश्चर्य होगा सनबर्न, स्किन कैंसर, आई डिसीज और इसी तरह से जो हमारे जीव जंतु हैं, पौधे हैं, इनकी जो आप तरह से के जनन क्षमता, उत्पादन क्षमता, इन सबको भी प्रभावित कर सकते हैं। इतनी जो ओजोन लेयर है वो पृथ्वी के लिए, मानव जगत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि जब सतह परत जब समताप मंडल में है तब देखिए ओजोन परत वरदान है, लेकिन अगर वो पृथ्वी पर आ गई, ओजोन अगर नीचे बनता है, तो ये स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी विकृतियों को जन्म देता है। तो यहां ये क्लियर हो जाना चाहिए कि समताप मंडल की ओजोन परत की बात आई। अब आता है ये मॉन्ट्रियल कैसे, तो हुआ ये कि हमने औद्योगीकरण और मनुष्य जीवन को इजी कंफर्टेबल बनाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाए, और इसमें सबसे ज्यादा जब हमने रेफ्रिजरेशन करना शुरू किया, एयर कंडीशनर बनाना शुरू किया, स्प्रे बनाने शुरू किए, फायर एक्सटिंग्विशर जो पहले बनाने शुरू किए, पता चला इसमें से गैस निकलती है जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसका नाम था CFC, क्लोरो फ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरो फ्लोरोकार्बन यह जो समताप मंडल की जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर रही थी। 1985 में तो यह देखा गया कि अंटार्कटिक में, जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, वहां पर काफी जो ओजोन परत थी वो डिप्लीट कर गई थी, छरित कर गई थी, और इसका मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेज थे वो पृथ्वी पर आने लगे थे। और ऐसा होता तो मैंने पहले ही बताया कि सूरज की अगर परावैगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज अगर पृथ्वी पर आई, तो कई तरह की मनुष्य स्वास्थ्य संबंधी, और केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि फ्लोरा और फौना से संबंधित दुर्घटनाएं, और उनके जो आप कहें कि उनके भी स्वास्थ्य से संबंधित घटनाएं शुरू हो जाती। इसके बाद सभी देशों ने मिलकर, शुरुआत में तो 45 देशों ने लेकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए,
और जैसा मैं कह रहा हूं, यह बाध्यकारी समझौता साबित हुआ। पहली बार पर्यावरणीय मुद्दे पर सभी देश एक साथ आए, एक सामूहिकता की जीत मानी गई। यहां पर एक काम यह भी किया गया कि समझते हुए विकसित और विकासशील देश, इन्हें दो अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, उनकी बाध्यताएं अलग रखी गई। और जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में लागू हो गया तो भी देखिए, भारत 1992 में इसका सदस्य बनता है, इसका हस्ताक्षर करता है। इसका मतलब यह है कि बड़े ही सोच समझ के चरणबद्ध तरीके से न केवल ODS ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस को रोकना था, उनके उत्पादन उसकी खपत को, बल्कि विकसित और विकासशील देशों के बीच भी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण था। विकसित देशों ने इस बात को समझा कि विकासशील देशों की अपनी बाध्यताएं हैं, उनका अपना प्रोग्रेस है, इसलिए उन्हें थोड़ा और समय दिया। और यही नहीं, एक बहुपक्षीय कोष बनाया गया जिसमें विकसित देशों ने फंड इकट्ठा किया जिससे विकासशील देशों की मदद की जा सके। और इस फंड में ऑस्ट्रेलिया का योगदान निसंदेह अविस्मरणीय है। इस तरीके से, और एक बहुत बड़ी जीत इसलिए भी मानी जानी चाहिए कि जब हम ODS की बात करते हैं तो इसमें निसंदेह सबसे बड़ा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, लेकिन इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हेलोन्स हैं, ब्रोमाइड है, इस तरह से जितने भी सब्सटेंस थे, धीरे धीरे इनको रोकने की कोशिश की गई। और इसी पर आगे बढ़ते हुए देखा गया कि यहां पर आखिर जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ना आए तो क्या हो, तो विकल्प के रूप में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहा गया कि आप यूज कीजिए, और HFC का उत्पादन, शीतलन और बाकी उद्योग करने लगे। लेकिन अभी 2016-17 में किगाली समझौता हुआ। किगाली रवांडा की राजधानी है। किगाली को मॉन्ट्रियल प्लस भी कहते हैं क्योंकि मॉन्ट्रियल का ही संशोधन हुआ। और यह संशोधन इसलिए इंपॉर्टेंट था कि जिस HFC को हमने कहा कि CFC को तो रोक दिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रोक दिया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन रोक दिया, और कहा कि हाइड्रोक्लोरोकार्बन आप उत्पादित कीजिए, लेकिन देखा गया कि HFC से ओजोन डिप्लीशन तो रुका, लेकिन वो ग्लोबल वार्मिंग में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, तो ओजोन के साथ ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा जुड़ा, और ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से सीधा जुड़ता है। ऐसे में HFC को भी रोका जाए चरणबद्ध तरीके से, इस पर लेकर किगाली समझौता हुआ 2016 में। और ये सभी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि दुनिया को अगर बचाना है, पृथ्वी को अगर बचाना है, याद रखिएगा स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले 100 वर्षों में पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगी। इसीलिए इस तरह जब भी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड समझौते हैं, इस पे बहुत ही सोच विचार कर और सभी देशों को अपनी प्रतिबद्धता के साथ आगे आना है। तो मॉन्ट्रियल जो 1987 में हुआ, जिसने CFC, HCFC, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि को रोकने की बात की, HFC को नहीं, वो 2016 में उस पर भी आ गया क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता था। तो ऐसी करके आज भी हम इसे मॉन्ट्रियल प्रेरणा कह सकते हैं क्योंकि पहली बार सभी देशों ने अपनी, नहीं तो आप देखिए कोई भी अगर कन्वेंशन होता है, कोई भी समझौते की बात होती है, तो किसी न किसी मुद्दे पर कभी विकसित विकासशील देशों का पक्ष विपक्ष सामने आ जाएगा, टकराव सामने आ जाएगा, कभी अमेरिका यूरोपीय संघ या अमेरिका रशिया का संघर्ष सामने आ जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रेरणा ने पहली बार दुनिया को ये दिखाया कि अगर सामूहिकता से सोच समझकर विचार कर और पृथ्वी को बचाने के उद्देश्य से सही तरीके से अगर चीजें लाई जाएं तो हम सफल भी हो सकते हैं। आज फिर उसकी बहुत जरूरत है। तो 16 सितंबर जब हम ओजोन दिवस मनाते हैं तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है इस पीढ़ी को कि एक अभी तक पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सबसे सफल समझौता यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही था।